शिवपुरी यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी बस संचालकों को निर्देश दिए गए थे कि कोरोना गाइडलाइन के तहत बस चलाई जाए, सभी यात्री मास्क लगाकर ही यात्रा करें, बस स्टाफ भी मास्क लगाए सैनिटाइजर करें, लेकिन बस वालों ने किसी भी प्रकार का कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया है, ना ही किसी बस के यात्री के मास्क लगे हुए दिखाई दिए, जिसके तहत रणवीर सिंह यादव ने 5 बसों को यातायात थाने बुला कर चालानी कार्रवाई की गई। समझाइश भी दी गई कि कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी बस संचालक अपनी बसें चलाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो आगे और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये आज बसों पर कार्रवाई की गई, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है? आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें पहले से ही बस वालों को निर्देश थे कि उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, ओवरलोडिंग नहीं भरना है, मास्क रखना है, सभी यात्री मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज। लेकिन चेकिंग के दौरान ऐसा पाया गया कि इनने कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया, जिसमें 5 बसों को मेरे द्वारा जब्त कर थाना यादव लाया हूँ। अब कोरोना गाइडलाइन और प्लस ओवरलोडिंग और परमिट की शर्तों के उल्लंघन में कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।